चंद अल्फाजों में जिनके हुनर समेटे नहीं जाते, ये वो हीरे हैं जो किसी तराशकार से तराशे नहीं जाते। कौन सानी होगा तिरंगे में लिपटे उस जवान का, कौन सानी होगा तिरंगे में लिपटे उस जवान का। ये वो पल है गौरव के जो हर किसी के हिस्से नहीं आते, हर किसी के हिस्से नहीं आते। मैं इन्हीं चंद लाइनों के साथ हंदवाड़ा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि ज्ञापित करती हूँ और आप सभी का मैं हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, उसके अंतर्गत खंड ए, दो सेक्शन में उस बुक को बांटा गया है, खंड ए और खंड ब में। तो खंड ए में हम लोग इकाई 1 को पढ़ रहे हैं और इकाई 1 में प्रमुख अवधारणाएं नाम से चार आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनमें सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मैम, कई बच्चों की कॉल्स भी आते हैं, मैम कौन सा चैप्टर है, कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो कन्फ्यूज रहते हैं। इसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि खंड ए में बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो सेक्शन ए है, खंड ए की इकाई वन में प्रमुख अवधारणाएं दी हुई है और इन प्रमुख अवधारणाओं का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, यानी अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने न्याय पढ़ा चैप्टर 1 में और सेकंड चैप्टर में शक्ति सत्ता, और आज पढ़ रहे हैं वैधता। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैधता। वैधता हिंदी का जो शब्द है वह लेटिन भाषा के शब्द लेजिटिमेसी से बना है। लेजिटिमेसी शब्द का अर्थ होता है लॉफुल, कानून सम्मत या कानून से युक्त। अब वैधता शब्द को जब देखते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हमने देखा कि यह लेजिटिमेसी शब्द से, लैटिन भाषा के लेजिटिमेसी शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात कानून से युक्त या कानून सम्मत। तो यह बात हमारे सामने आती है कि वैधता का तात्पर्य कानून या कानून परक होता है। यह पूरी तरीके से इस शब्द को स्पष्ट नहीं करता। बच्चों, वैधता शब्द समय, काल, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अर्थ को परिवर्तित करता रहता है। जब प्राचीन समय में राजनीति व्यवस्थाओं के संदर्भ में वैधता का अर्थ जानते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु कौटिल्य ने इसे शासक के अधिकारों, जन कल्याण और जनता के प्रति उसके कर्तव्य के साथ जोड़ा है। वहीं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो और अरस्तु ने इसे अलग अलग रूप में वैधता माना है। वहीं जहां प्लेटो ने इसे न्याय के साथ जोड़ा, प्लेटो ने वैधता को न्याय बताया है। अर्थात किसी राज्य में न्याय की स्थापना है तो वह वैधता पूर्ण होता है। अरस्तु ने इसे अपने संवैधानिक शासन के साथ में जोड़ा है, यानी संवैधानिक शासन की स्थापना जहां पर हो जाती है वह शासन व्यवस्था। वैध है या वैधता पूर्ण है। प्लेटो और अरस्तु की भांति अनेक विचारकों ने अपने अपने मतानुसार और अपने अपने समय काल के अनुसार वैधता को परिभाषित करने और वैधता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मध्यकाल अवस्था, जिसमें धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था राजनीति पर, उस समय मध्यकाल के अंतर्गत वैधता को ईश्वरीय राज्य, राज्य की परिकल्पना के साथ जोड़ा। और राज्य क्या था? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण था और राजा के द्वारा कहे गए आदेश जनता के लिए अनिवार्यतः पालन होते थे, क्योंकि वे आदेश किसके होते थे? ईश्वर के। इस तरह से मध्यकाल में
ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना के आधार पर वैधता को जोड़ा। समय परिवर्तन हुआ, समझौतावादी विचारकों के विचार हमारे सामने आए। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स लॉ रूसो ने जनता की सहमति, जन सहमति अर्थात समझौते को, जनता के मध्य समझौते को ही वैधता का रूप माना। अर्थात समझौते के आधार पर जब जनता किसी शासन को स्वीकार कर लेती है तो वो उस शासन के प्रति उसकी वैधता हो जाती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का परिरूप हमारे सामने देखने को दृष्टिगोचर हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमें वैधता का रूप जनता की सहमति किस रूप में, सामाजिक समझौता रूप में नहीं, जिस रूप में हॉब्स लॉ रूसो समझौतावादी विचारकों ने कहा है, जनता की सहमति मतदान के रूप में, जनमत के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में, संचार साधनों के रूप में, जब उसकी प्रतिक्रिया सरकार के प्रति सकारात्मक होती है तो वह उस शासन के लिए वैधता का रूप होती है। तो इस बात, इस तरह से वैधता का शाब्दिक अर्थ देखने पर यह बात हमारे सामने आती है। तो फिर वैधता क्या है? वैधता सहमति है। वैधता वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्वीकृति का आधार है, जनता की सहमति का आधार है। जनता द्वारा जब किसी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह शासन वैध है, वैधता पूर्ण है और वह सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है जो जनता को, जनता जिसे स्वीकार कर लेती है। इस मत में ग्रीन का विचार हमें पूरी तरीके से उपयुक्त दिखाई देता है। ग्रीन ने कहा है कि इच्छा न की बल प्रयोग राज्य का आधार है। ग्रीन के शब्दों में इच्छा न की बल प्रयोग राज्य का आधार है। बल प्रयोग राज्य का आधार है। इस कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि राज्य का आधार जनता की इच्छा है, जनता की सहमति है, जनता की स्वीकृति है, न कि बल प्रयोग। शक्ति के आधार पर किसी राज्य को चिरस्थायी या उसके अस्तित्व को हम सुरक्षित नहीं मान सकते। वही राज्य अपना अस्तित्व सुरक्षित कर सकता है जहां जनता की इच्छा होती है, जनता की सहमति होती है और यह सहमति और इच्छा निरंतर बनी रहती है, तभी उस राज्य का अस्तित्व भी निरंतर बना रहता है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि वैधता शक्ति और सत्ता के मध्य कड़ी है, एक कड़ी रूप में है। हमने जब शक्ति पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ा था कि सत्ता क्या है, तो सत्ता शक्ति प्लस वैधता जब दोनों परिभूत होती है उस समय सत्ता का आविर्भाव होता है, उसे कहते हैं सत्ता। जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तब वह सत्ता कहलाती है और सत्ता अपना अस्तित्व तब सुरक्षित रख सकती है जब वह वैधता के साथ होती है या उसे वैधता प्राप्त होती है। वैधता पर अनेकों बार अनेक परिस्थितियों में ऐसी बाधाएं आती हैं जो उसकी वैधता को चुनौती देती हैं या राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थायित्व को चुनौती देती हैं। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता की सहमति, जनता की स्वीकृति आवश्यक होती है और जब जनता के द्वारा ही कुछ नवीन अवस्थाएं या नवीन फेजेस लाए जाते हैं, न्यू फेजेस लाए जाते हैं और जब सरकार के द्वारा प्रचलित शासन व्यवस्था के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो वहां पर बाधा उत्पन्न होती है, इंटरफेस उत्पन्न होता है और इस स्थिति में क्या होता है,
इस स्थिति में या तो क्रांति होती है या विद्रोह होता है। तो वैधता के लिए, वैधता लगातार किसी राज्य व्यवस्था को प्राप्त होती रहे, इसके लिए उस सत्ता के लिए, उस राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करे। नवीन अवस्थाएं स्वीकार्य होंगी तभी जाकर उस शासन की वैधता चिरस्थायी हो पाएगी। कहने का तात्पर्य हुआ परिवर्तन, आवश्यकता और समय के अनुसार जब परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, राज्य व्यवस्था के किसी भी रूप में हो, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, जब नवीन परिवर्तन होते हैं तब शासन के द्वारा यदि उन परिवर्तनों को सहजता के साथ स्वीकार कर लिया जाता है तब उस शासन सत्ता की वैधता ज्यों की त्यों बनी रहती है, वरना इस वैधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। एक चीज होती है आकांक्षाएं, जनता अपने शासन से आकांक्षाएं रखती है और राज्य व्यवस्था उनका वर्तमान स्वरूप लोक कल्याणकारी रूप में है तो जनता की आकांक्षाएं भी होना स्वाभाविक है। इन स्थितियों में जनता की आकांक्षाओं को जब सत्ता के द्वारा भली प्रकार से पूरित किया जाएगा या उनकी पूर्ति की जाएगी तब भी उस सत्ता की वैधता बनी रहती है, अन्यथा ऐसी स्थिति में सत्ता की वैधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि आकांक्षाओं की अति नहीं होनी चाहिए। जब जनता की अत्यधिक आकांक्षाएं हो जाती हैं, जो सत्ता के सामर्थ्य से बाहर होती है, तब उस स्थिति में भी क्रांति और विद्रोह की स्थिति हो जाती है, तब भी सत्ता अपनी वैधता खोने के कगार पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से अनेकों बार ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता क्या दबाव में कार्य करती है, नहीं, सत्ता जन स्वीकृति, जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं के रूप में जब कार्य करती है तो वह सहजता से स्वीकार कर ली जाती है और यह सहजता से स्वीकार करना ही किसी सत्ता की वैधता होता है। और जनता जब उसे सहज रूप में स्वीकार नहीं करती तो वह उस सत्ता की वैधता नहीं होती। तो अनेकों बार ऐसी स्थितियां हैं जब शासन के द्वारा नवीन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया जाता, राज व्यवस्थाओं के द्वारा नवीन परिवर्तनों को आत्मसात नहीं किया जाता और सामंजस्य नहीं बिठाया जाता। ऐसे गुण हमें अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में, जो अपना शासन शक्ति के बल पर कायम रखते हैं न कि वैधता के बल पर, वहां पर भी शासन व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, क्रांति और तख्ता पलट हो जाता है। और साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में भी ऐसे ही गुण और ऐसी ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वे अपने अड़ियल रुख के कारण अपनी वैधता को संकट में डाल देती हैं, क्योंकि वे नवीन परिवर्तनों को आत्मसात नहीं करती। तो इस तरह से शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों आपस में इस तरह से मिलीजुली हैं कि इनके संबंधों को विच्छेद करना, अलग करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि सत्ता बिना शक्ति के संचालित नहीं होती। अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब शक्ति का सत्ता के द्वारा सहारा लिया जाता है। इसी इस बात में ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्ता एक ऐसी तलवार है जो म्यान के अंदर है और शक्ति एक ऐसी तलवार है जो म्यान से बाहर है, अर्थात जहां बल का, दबाव का और भय की स्थिति के द्वारा शासन के नियमों का अनुपालन करवाया जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा सत्ता के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सत्ता यदि सदैव शक्ति का सहारा लेगी तो उसकी वैधता संकट में पड़ सकती है। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में टीचर और हमेशा बच्चों को पनिशमेंट के भय से ही होमवर्क दे या होमवर्क करवाए या उन्हें लर्न करवाए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षक सहजता के साथ और छात्रों की स्वीकार्यता के साथ में उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप यदि अध्यापन का कार्य करवाता है तो उसकी सत्ता का अस्तित्व बना रहता है। सत्ता का अस्तित्व क्योंकि शिक्षक का पद कानूनी पद है, लेकिन वह अपना कार्य सहजता से संपादित करवा सकता है। शक्ति का प्रयोग अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में लिया जाता है और वैधता का प्रयोग वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। सार रूप में देखें तो वैधता वो पेपर वेट है
जिसके कारण किसी शासन का अस्तित्व बना रहता है। शासक को अधिकार प्राप्त है लेकिन उसे कर्तव्य भी प्राप्त है कि वह जनता के जन कल्याण के कार्यों को पूरी तरीके से भली भांति संपादित करे। अगर वह जन आकांक्षाओं नवीन परिवर्तनों की उपेक्षा करता है, जन सहमति की उपेक्षा करता है, तो वह उस शासन के लिए हितकर नहीं है। इस प्रकार से वैधता, शक्ति और सत्ता इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। यह ऐसा पुल है जो शक्ति के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाता है। वैधता जनता की स्वीकृति है, जनता की सहमति है और जन भावनाओं को, जन आकांक्षाओं को उपेक्षित करके वर्तमान लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकती। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।